बोले कल भाग जाओ नहीं तो मार मार के कल निकालेंगे, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। कल मुझे धमकी दी कि यहाँ से निकल जाओ नहीं काट के ट्रेन में रख देंगे। जब मार पीट के चले जाते उसके बाद पुलिस आती। ये तकलीफ अकेले बिहार के आदमी की नहीं है, ये तकलीफ अकेले यूपी के आदमी की भी नहीं है। दरअसल गुजरात में जिस तरह से क्षेत्रवाद का जहर फैलाकर उत्तर भारतीयों को पीटा गया और उन्हें राज्य से खदेड़ा गया, उसके शिकार चार राज्य हैं, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। एक जगह लोगों को पीटा जा रहा है और तीन राज्यों के लोग पिट रहे हैं, और पिट रहे हैं तो जिसको जो रास्ता मिल रहा है उस रास्ते से जान बचाकर भाग रहा है। हालात बिगड़े हुए हैं मगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बात हो गई है, परेशान मत होइए। कल ही हमारी बात हुई है गुजरात के मुख्यमंत्री जी से और वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से, और हमारे चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सब लोग संपर्क में हैं, और वहाँ भी इस तरह की चीजें जो हो रही है उस पर उन लोगों की भी नजर है। तो बिहार के सीएम गुजरात के सीएम से बात कर रहे हैं, बिहार के सचिव गुजरात के सचिव से बात कर रहे हैं, मगर इस बातचीत का परिणाम क्या है वो गुजरात से बिहार की ओर कूच करते लोग बताते हैं। अहमदाबाद लखनऊ की ये ट्रेन है, ट्रेन के अंदर हम मौजूद है, आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके से खुद को यहाँ पे अकोमोडेट करके यहाँ से निकल रहे हैं। और जो छह लोगों की बैठने की जगह रहती है वहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं और किसी ना किसी तरीके से वो यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि उनको एक दहशत है कि परप्रांतीय होने की वजह से कहीं उन पर हमला ना हो जाए, उन पर बार बार उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यहाँ पर धमकी दी जा रही है और कुल बता रहे हैं कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे बोल रहे हैं। आपको खुद को धमकी मिली है? हाँ। क्या धमकी दे रहे हैं आप लोगों को? मारने की धमकी दे रहे हैं। हमें ये मालूम था कि गुजरात एक सुकून देश है, पर अब ऐसा लगता है हमें कि गुजरात ऐसा लगता है भैया जी बिहारी यूपी को निकाल के और फिर बीच में एक पाकिस्तान बना देंगे। हालांकि गुजरात के गृह मंत्री भरोसा दिला रहे हैं कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, मगर ये भरोसा तब दरकने लगता है जब रोजी रोटी पाने के लिए यूपी बिहार से गुजरात पहुंचा आदमी मार खा कर लौट रहा हो। गुजरात में स्थितियां बिगड़ी हुई हैं, मगर सियासत उफान मार रही है। अब सवाल खुद पीएम मोदी से है, उनकी सरकारों से, कि गुजरात में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, बिहार की सरकार में भी बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, इसके बावजूद उत्तर भारतीयों के विरुद्ध हिंसा पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है? हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं? आज तक भी।